बट गुड मॉर्निंग भाई, आपका नाम भाई? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम यश है। थोड़ा तेज बोलेंगे आप भाई? मेरा नाम यश है। यस है। जो दिल्ली के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, वो कौन से इलेक्शन होने वाले हैं? इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन होने वाले भाई। लोकसभा के एक कितनी साल में होता है ये भाई? 5 साल में। आप स्टडी कर रहे हैं अभी? नहीं। आपने करी थी पहले? हाँ करी थी। कहाँ तक? 12th करी। अभी तो पेपर के रिजल्ट आने बाकी हैं। रिजल्ट आने मई में आएंगे आपके लिए। हाँ जी। तो दिल्ली के अंदर तो गवर्नमेंट है, वो कौन से आने के, कौन सी गवर्नमेंट के आने के चांसेस हैं? कांग्रेस कुछ बताओ तो इलेक्शन पे। कांग्रेस आएगी? कांग्रेस नहीं, ये तो पता होता है ना लोगों का। नहीं अब देखो, जैसे कि अभी आप न्यूज़ देख रहे थे कल, उधर पुरानी दिल्ली गए थे, उधर सारे कांग्रेस को कह रहे थे। अब इधर आप कोई बीजेपी कह रहा, कोई कांग्रेस को, या आप बताओ हम कैसे बता सकते हैं? नहीं लोगों की अपने अपने विचार है। मेरा तो देखो अलग है, मैं चाहूँगा बीजेपी आए। अब अगले बंदे से आप कुछ होगा भाई कांग्रेस आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम यही तो जानना चाहते हैं, मतलब लोगों का विचार क्या है। तो आपके मेरे था कि बीजेपी गवर्नमेंट आनी चाहिए। बीजेपी गवर्नमेंट आनी चाहिए तो बीजेपी गवर्नमेंट क्यों आनी चाहिए? वो काम कर रहे हैं कांग्रेस ने। आप देखो 10 साल में क्या करा, आप खुद बता दो। कांग्रेस ने 10 साल में कुछ नहीं करा। तो बीजेपी करा है, पर इतना ही नहीं करा जितना बीजेपी ने करा। अब देखो जैसे बीजेपी ने आते ही आपके वो करा नोटबंदी, कितना काला धन आपने खुद देखो कैसे दिखाया लोगों ने, डर के मारे ये बात हुई है। अभी तो दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, एक जागरूक व्यक्ति को किस आधार पर वोट करने चाहिए? जो देश का मान सम्मान अभिमान विकास सारा करे, ये उसको होना चाहिए। मान सम्मान विकास सारी चीज़ें करें, देश की सुरक्षा करें। देश की सुरक्षा करें, देश की सुरक्षा करें। और आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार आएगी दिल्ली में? भाजपा। भाजपा। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं मोदी चोर है, चौकीदार चोर है, उसको क्या कहना चाहिए? कोर्ट ने सब डिसीजन ले लिया, कोर्ट ने राहुल ने कल माफ़ी मांग ली, आपको पता होगा उस न्यायालय ने किया था सब उसने माफ़ी मांग ली, कुछ कोई झूठ है वो तो रो रहे हैं राहुल गांधी वगैरह। हाँ बहुत सारे लोग मतलब ऐसे कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है और मोदी चोर है, तो ऐसा मतलब टिप्पणियाँ करते हैं प्रधानमंत्री पे, क्या ये अच्छी बात है? ये बदतमीज लोग हैं, इनको जाहिल है, इनको कुछ नहीं पता, सब बदतमीज है, चोर चोर इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ चोर का कुछ नहीं कर सकते। देश का प्रधानमंत्री है और कुछ का कुछ नहीं सकते, शेर आदमी है। शेर आदमी है। तो आपको क्या लगता है बीजेपी आनी आनी है? पक्का 100% आएगी एकदम। पक्का 100% अंकल जी कह रहे हैं कि बीजेपी आनी आनी है। तो हमारे यहाँ पे अंकल जी और भी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सभी पे जानेंगे, सभी की अपनी अपनी अलग अलग राय हो सकती है। नमस्कार अंकल जी, आपका नाम क्या है? नंदन सिंह। नंदन सिंह, एक जागरूक व्यक्ति को किस आधार पर वोट करने चाहिए? जो देश का विकास करे, बेरोजगारी हटाए, रोजगार दे, यहाँ बाहर के आदमी नौकरी मिल जाती है, वह केंद्र शासित है, यहाँ वाले के कुछ नहीं मिलती नौकरी, यहाँ के बच्चे पढ़ पढ़ कर रह जाते हैं, और आरक्षण औरों को मिल जाता है यहाँ कॉलेज में एडमिशन के लिए, दिल्ली का ऐसे ही रह जाता है। मतलब अगर बच्चे पढ़े लिखे हुए हैं तो प्राइवेट जॉब भी है, वो भी तो कर सकते हैं, घर पे बैठना खाली जरूरी थोड़ी नहीं है। प्राइवेट जॉब के बहुत पैसा देता है, बीटेक का या एमटेक करके उनको करेगा उसको जॉब मिलती है, जो कम पढ़ा हुआ उसको जॉब कहाँ मिलेगी? अच्छा जो कम पढ़ा है उसको जॉब नहीं मिलेगी। तो अभी तो दिल्ली में इलेक्शन होने के बाद यानी कि 23 मई को जो उसका परिणाम आएगा, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी? ऐसा है जो वोट हो रही है ये उम्मीदवार पे तो नहीं मिल रही है, वोट मोदी के नाम पे मिल रही है, और बीजेपी की सरकार मिले बेशक उतनी बहुमत से ना आए, सरकार मोदी की बनेगी, लेकिन बनेगी मोदी की। तो धन्यवाद अंकल जी हमसे सुनने के लिए। हमारे एक और अंकल जी यहाँ पर बैठे हैं। तो नमस्कार अंकल जी, आपका नाम क्या है? रामचंद्र। तो एक जागरूक व्यक्ति को किस आधार पर वोट करना चाहिए? जो विकास करे, देश का नाम रोशन करे, उसको विकास करना चाहिए, उसको करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी? गवर्नमेंट बीजेपी की आएगी। बीजेपी की गवर्नमेंट क्यों आएगी? काम कराया बीजेपी, सर्जिकल स्ट्राइक कराई मोदी ने, शौचालय बनवाए, उसने सिलेंडर दिया, बहुत काफ़ी मेहनत करी है मोदी ने, इसलिए बीजेपी सरकार आनी चाहिए। अच्छा बीजेपी की आनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी हमसे जुड़ने के लिए। जो लोग आपको देख रहे हैं कुछ कहना चाहेंगे उनको? मोदी होना चाहिए, मोदी अंकल जी कह रहे हैं यहाँ पे मोदी होना चाहिए। और भी हमारे एक अंकल जी हैं यहाँ पे, मैं भूल चुका बेटा, उनकी भी राय जान लेते हैं। नमस्कार अंकल जी, आपका नाम क्या है? अशोक कुमार। एक जागरूक मतदाता को किस आधार पर वोट करना चाहिए? जो काम करें। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार आएगी दिल्ली में? मोदी आएगी। मोदी क्यों आएगी? अच्छे काम करता है,
अच्छे काम करता है, कोई एक अच्छे काम का नाम पता नहीं, कैसे कैसे बता रहे खत्म हो गए सारे, अच्छे काम ही कर रहा सारे अच्छे काम कर रहे। तो आपका कहना ये है कि बीजेपी आएगी? धन्यवाद अंकल जी, हम तो चलने के लिए आपका स्वागत है। जो लोग आपको देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? भाई जी जो भी काम करें मुझे अपना देख के लिए करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी हमसे जुड़ने के लिए।